आज हम फिर उपस्थित हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। इसमें प्रीवियस क्लास में हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था, आपको ध्यान तो था कि हमने फैक्टर थ्योरम पढ़ा था जिसमें कि फैक्टर कब होगा कि जब पी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स जब रिमाइंडर जीरो होता है तो उस कंडीशन में एक्स माइनस ए जो होता है वह पी एक्स का एक फैक्टर होता है। तो हमने प्रीवियस क्लास में ये पढ़ा था। इसके अलावे जो आज हमें जो हमें पढ़ना है, ये हमें पढ़ना है कि फैक्टराइज यूजिंग फैक्टर थ्योरम, तो फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए हम फैक्टर हम कैसे करते हैं। इसके पहले हमने स्प्लिटिंग मेथड सीखा है कि स्प्लिटिंग करके तो एक्स वाला जो हिस्सा होता है, ये जो मिडिल टर्म जो होता है, तो मिड टर्म को स्प्लिट करके हम कैसे फैक्टर करते हैं, तो ये हमने प्रीवियस क्लास में हमने सीखा है। तो आज हम सीखते हैं इसमें कि फैक्टर थ्योरम का हम यूज करते हुए हम कैसे सीखते हैं, कैसे हम इसका फैक्टर करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसमें कि उसके पहले जो फैक्टर थ्योरम में था कि कोई भी x माइनस ए से अगर हम px को डिवाइड करते हैं तो x माइनस ए फैक्टर कब होगा, तो जब उसका जो pa का वैल्यू जो रिमाइंडर होगा, जब रिमाइंडर जीरो होगा तो ये उसका ये एक वैल्यू होता है। तो लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मीन्स यहाँ पे दो वैल्यूज होंगे, यहाँ पे कम से कम यहाँ पे दो वैल्यू होंगे हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक्स के दो वैल्यू होते हैं, तो हमें दो वैल्यू हमें इसमें फाइंड करना पड़ेगा। फिर आइए हम देखते हैं इसको कि फैक्टर थ्योरम का यूज करते हुए हम कैसे हम फैक्टर करते हैं, आइए हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहला जो हमारा कंडीशन होगा, तो सबसे पहला जो कंडीशन होगा, तो ये ध्यान देना है इसमें कि जो एक्स एक्सक्वायर का जो कॉफिशियंट है, मीन्स एक्स एक्सक्वायर के पीछे कुछ भी नहीं रखना है, मीन्स ये क्या करना है, तो ये जो सिक्स है सिक्स को हमें कॉमन ले लेना है, और क्या करना है, तो इसी से सबको डिवाइड कर देना है। ध्यान दीजिए यहाँ पे सिक्स एक्सक्वायर बाय सिक्स प्लस सेवनटीन बाय सिक्स एक्स प्लस फाइव बाय सिक्स, हमें क्या किया यहाँ पे, तो सिक्स सिक्स जो इसके पीछे लगा हुआ था सिक्स को कॉमन ले लिया और उसे सिक्स से सबको डिवाइड कर दिया, तो इसमें कोई भी अंतर डिफरेंस इसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमारा पी एक्स क्या हो गया, तो पी एक्स इज इक्वल टू सिक्स इंटू सिक्स एक्स स्क्वायर, मतलब ये सिक्स कैंसिल हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस सेवनटीन बाय सिक्स एक्स प्लस फाइव बाय सिक्स। अब ये क्या है, तो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, तो सिक्स पी एक्स मीन्स ये जो पी एक्स है, तो ये अब ये क्या है ना, तो ये पी एक्स है, और पी एक्स किस में है, तो पी एक्स स्क्वायर के टर्म में है ना, मतलब मीन्स ये क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा तो उसका निश्चित रूप से उसका दो वैल्यू होगा, मीन्स इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि सिक्स इंटू एक्स माइनस ए और इंटू एक्स माइनस बी, जहां पे ए और बी क्या है, तो इसका जीरो होगा कि एक्स और बी जिसके लिए कंप्लीट पॉलीनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो उसी को यहाँ पे हमें लिखना है। तो चलिए आइए हम देखते हैं, तो सबसे पहले इसमें करते क्या है, तो सबसे पहले जो करना है इसमें, तो जो इसका लास्ट टर्म है देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, तो फाइव बाय सिक्स है, तो फाइव बाय सिक्स को हमें मल्टीपल के फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स में लिखना है, फिर उसमें इसका वैल्यू फाइंड करना है कि जिसके लिए यह जो पी एक्स है पी एक्स का वैल्यू जीरो होगा। तो आइए हम देखते हैं इसको, इससे हम लिखते हैं कि फाइव बाय सिक्स, इसमें क्या लिख सकते हैं, फाइव इंटू वन बाय सिक्स लिख सकते हैं, है ना, प्लस माइनस करके लिख सकते हैं, प्लस माइनस, अगर प्लस इंटू प्लस होगा फिर भी प्लस होगा, और अगर माइनस इंटू माइनस होगा तो फिर भी माइनस होगा, फिर माइनस इंटू माइनस होगा तो फिर भी प्लस होगा, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। दूसरा यहाँ पे फाइव बाई सिक्स है, तो और भी हम क्या लिख सकते हैं, तो फाइव बाई सिक्स है तो इसको हम लिख सकते हैं कि फाइव बाई टू इंटू वन बाय थ्री लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे
प्लस माइनस साथ इसको भी लिख लेते हैं, या अगर और भी लिखना है हमें तो 5/6 को और हम लिख सकते हैं कि 5/3 इंटू 1/2 प्लस माइनस साथ इसको लिख सकते हैं। एक डिफरेंट वेज हो सकते हैं हमारे लिखने के, और भी लिख सकते हैं इसको, जैसे 5/6 हम लिख सकते हैं 1 × 5/6 लिख सकते हैं। तो डिफरेंट वेजेस इसके हैं लिखने के। तो अब हमें इसमें फाइंड करना है कि यह जो डिफरेंट वैल्यू है, इसी डिफरेंट वैल्यू को हमें पुट करना है इसमें, यहाँ पे जो पी एक्स है तो पी एक्स में हमें ये पुट करना है, और फिर जिसके लिए पी ए का वैल्यू 0 आएगा तो वह उसका एक जीरोज होगा। तो हम आइए इनको देखते हैं कि जैसे यहाँ पे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे कि पी, चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अगर हम पी फाइव लिखते हैं ना, तो अगर हम यहाँ पे अगर हम पी फाइव लिखते हैं तो पी फाइव के कंडीशन में हमारा वैल्यू क्या आता है ना, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर 5/6 मीन्स अगर प्लस 5 लिखते हैं यहाँ पे, तो अगर लिखते हैं यहाँ पे कि P5 तो P5 इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे लिख लेते हैं यहाँ पे, तो 5 का ये PX हमारा ये टर्म है, तो इसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे P5 के लिए 5 का स्क्वायर प्लस 17/6 और इंटू 5x² 5 और प्लस 5/6। तो यह कभी भी यह जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है तो सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स है ना, तो सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स अगर होगा तो कभी भी जीरो नहीं होगा। मीन्स यह क्या है, अगर यह जो 5 है, मीन्स यह जो 5 है यह एक जीरो नहीं होगा। चलिए तो हम एक दूसरे वैल्यू पे हम आते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। हाँ, इसमें एक और देख लेते हैं कि अगर हम -5 अगर हम रखते हैं तो -5 को अगर हम पुट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या आता है, उसको देख लेते हैं। अगर हम लिखते हैं यहाँ कि P-5, अगर हम -5 लिखते हैं तो -5 का तो स्क्वायर होगा प्लस 17/6 इंटू -5 और प्लस 5/6, तो इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 25 और प्लस -85/6 और प्लस 5/6। अब इसका हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं, तो एलसीएम हो गया हमारा 6 एलसीएम, और ये 150 -85 और प्लस 5 मीन्स ये हो जाएगा हमारा 70/6 इज नॉट इक्वल टू 0। यह भी वैल्यू हमारा जीरो नहीं आ रहा है, तो इस कंडीशन में ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चलिए अब हम दूसरा वैल्यू रख के देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे यहाँ पे एक वैल्यू हम रख लेते हैं कि -5/2 है ना। तो एक वैल्यू अगर हम -5/2 रख के देखते हैं यहाँ पे, तो पी -5/2 जैसे x का वैल्यू क्या लिखना है यहाँ पे, तो x का वैल्यू में लिखना है -5/2। एक कंडीशन देख लेते हैं यहाँ पे, तो अब इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा, तो x² तो -5/2 का स्क्वायर प्लस 17/6 इंटू -5/2 और प्लस 5/6। इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 25/4 और प्लस माइनस 85/12 और प्लस 5/6 है ना। अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 12 है ना, तो ये 75 माइनस 85 और प्लस 10 मीन्स 85 माइनस 85/12 मीन्स 0। तो x का एक वैल्यू ऐसा हुआ -5/2 जिसके लिए जो यह पॉलिनोमियल है, यह पॉलिनोमियल क्या हो गया हमारा, 0 हो गया है ना। अब हम एक दूसरा वैल्यू भी हम रख के देख लेते हैं, मीन्स यहां से क्या हो गया,
कि x का वैल्यू क्या हुआ, तो x का वैल्यू हो गया यहां से -5/2, और इसी को हम लिखते हैं कि x प्लस 5/2 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू हमने यहां से फाइंड कर लिया। अब हम दूसरे वैल्यू के लिए इसी के जो इसी का जो साथ वाला वैल्यू है ना, इसी का के साथ में जो वैल्यू हमेशा ध्यान रखना है, अगर एक वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है तो उसी का जो दूसरा वैल्यू होगा वह भी उस इक्वेशन को, वह भी जो उस पॉलीनोमियल है उसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम इसको भी हम देख लेते हैं, फिर से हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे कि पी -1/3 इसका जो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे कि -1/3 का स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो x² और प्लस 17/6 इंटू -1/3 और प्लस 5/6। तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसका हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कितना होगा, 1/9 -17/18 प्लस 5/6। इसका एलसीएम फाइंड करेंगे तो कितना होगा इसका एलसीएम हो जाएगा 18, 9 + 18, तो ये 2 -17 और 18 + 15 प्लस 15 इज इक्वल टू 17 - 17/18 इज इक्वल टू 0। तो मीन्स एक वैल्यू क्या हुआ इसका, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू -1/3, और इसी को लिख सकते हैं कि x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब हमने यहाँ पे x का ऐसा दो वैल्यू फाइंड कर लिया जिसके लिए पॉलीनोमियल का वैल्यू 0 हो सकता हो रहा है। मीन्स यह जो दोनों वैल्यू है, यह दोनों वैल्यू क्या है इसका, तो यह इसका फैक्टर है। तो अब हम यहां से लिखते हैं x - a × x - b है यहाँ पे, तो हम लिखते हैं इसको है ना, तो पी एक्स कितना है, तो पी एक्स इज इक्वल टू है 6 × x - a और x - b। तो x - a है हमारा ये वैल्यू और x - b है हमारा ये वैल्यू। तो अभी दोनों वैल्यू को इसमें हम पुट कर देते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे, तो 6 × x - a का वैल्यू क्या है हमारा, x - a है हमारा 5 + x + 5/2। तो हम इसको लिख लेते हैं x + 5/2 और x - b का वैल्यू क्या है, तो x + 1/3। तो ये एक इसका वैल्यू है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, फिर से आगे बढ़ते हैं इसमें, तो 6 × 2x + 5/2 × 3x + 1/3। अब यहां से ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे ना ये कैंसिल हो गया 6, तो अब क्या बच गया हमारा 2x + 5 × 3x + 1। तो हम यहाँ पे लास्टली हम लिख सकते हैं शो फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल इज 2x + 5 × 3x + 1 है ना, 2x + 5 × 3x + 1। तो यहां से